सोलन के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में अध्यापक ने विद्यार्थी की पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते विद्यार्थी की बाजू भी टूट गई। बच्चे के माँ बाप बेहद दुखी हैं और उन्होंने अध्यापक को सीख देने के उद्देश्य से सोलन पुलिस थाने में अध्यापक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने विद्यार्थी का मेडिकल करवाया है और अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलन के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में अध्यापक ने विद्यार्थी को पीट दिया, जिसके चलते विद्यार्थी की बाजू टूट गई है। बच्चे के माँ बाप बेहद ही दुखी हैं और उन्होंने अध्यापक को सीख देने के उद्देश्य से सोलन पुलिस थाने में अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने विद्यार्थी का मेडिकल करवाया है और अध्यापक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता माता कमलेश ने बताया कि उनके बेटे के साथ अध्यापक ने मारपीट की है, जिसकी वजह से उसके बाजू की हड्डी तक टूट गई है। इसके लिए वह चाहते हैं कि अध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि भविष्य में जैसी घटना उनके बेटे के साथ घटी है वह किसी और के साथ ना हो। कमलेश, मैं 2:30 बजे सर लेने आई बच्चे को, तो बच्चे को जैसे मैं लेके जा रही थी सर, उसका हाथ पे मैंने बाजू पकड़ी तो उसे हड्डी फटते से बोल गई। मैं कह बेटा क्या हुआ, तो कह रहे ससुर ने मारा मेरे को। मैं बेटा किस बात पे मारा? मम्मी मैं टेरेस पे नहीं गया था, टेरेस के ऊपर मारा था, टेरेस के पीछे। वो 4 बच्चे और थे, वो भाग गए थे, मैं पीछे रह गया था, बुला के मारा, मैं जा रहा भी था। फिर मैं घर लेके चली गई, मैं सीरियस नहीं थी, मैं क्या पता हल्की फुल्की चोट आई हो। मैंने जाके इसको दवाई दी सर, और मुंह पे लगाई, हाथ को पट्टी से गर्म पानी से धोया, पट्टी लगा दी। मैंने स्कूल फिर दूसरे दिन भी भेज दिया। दूसरे दिन जैसे मैंने पट्टी खोली, इसके हाथ सूज गया आने के बाद, और स्कूल से फोन जा रहा फिर भाई विशाल के चोट लग गई। हमने 2 दिन आए, हमारी इन्होंने बात नहीं सुनी। वही स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि घटना के दूसरे दिन उन्हें मालूम हुआ कि छात्र के बाजू में चोट लगी है। उन्होंने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसके परिजनों को सूचित किया, तब उन्हें छात्र ने बताया कि उसे अध्यापक ने मारा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल के विद्यार्थियों को अध्यापक ने मारा है, जिसके कारण उसकी बाजू की हड्डी भी टूट गई है। फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में उचित कार्यवाही होगी वह अमल में लाई जाएगी। नेक्स्ट डे भी वो रिसेस तक बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद रिसेस में जैसे क्लास टीचर कह रही है, मैंने टिफिन उसका टाइट था वो मैंने खोला, उसको खोल खाया, उसने टिफिन पूरा किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसको बाजू में कोई दर्द लगी। मेरे को जब चेयर पे बिठाया, हीटर सिखाया, तब बताया बेटा क्या हुआ, तब वो कहता मेरे को कल टीचर ने मारा, डांस टीचर ने 10 बजे। तो मैंने कहा फिर कल क्यों नहीं बताया आपने हमें, अगर आपको कल मारा था आज तो 24 घंटे हो गए उसके बाद, आप अब रिसेस के बाद अब आप बोल रहे हो कि डर। मैं कर क्या रहे थे आप? कहते मैं ना टेबल पे जब मैंने ऐसे किया था मेरे को अपने आप ही झटका लगा। मैं कहा हिट हुआ होगा कहीं, तो बच्चा खैर वो तो नहीं माना, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। उसके बाद हमें बस यही लगा, हमने उसको पट्टी सी बांध दी, सेक में रखा यहाँ पे, और इनको इन्फॉर्म कर दिया पेरेंट्स को। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।